हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और मैं आपके लिए आया हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कस्टम एंड्रॉयड और जो स्ट्रोक। दोस्तों, जो कस्टम एंड्रॉयड और स्ट्रोक एंड्रॉयड होता है वो दोनों स्किन होती है स्मार्टफोन्स की। जो आप लेयर देखते हो, बाहर जो इंटरफेस देखते हो, उसको कहते हैं जो कस्टम एंड्रॉयड और स्ट्रोक एंड्रॉयड। सो दोस्तों, जो कस्टम एंड्रॉयड होता है तो वो आप को हर एक कंपनी जो स्मार्टफोन की होती है उसका अलग अलग देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो ओप्पो के स्मार्टफोन्स है उसमें आप देखते हैं कलर ओएस 5.1, और जो आप देखते हैं उस वीवो में और वो है फन टच, और आप देखते हैं शाओमी में वो है आपका MIUI। तो दोस्तों, इस तरह से हर एक कंपनी के अलग अलग टाइप के कस्टम एंड्रॉयड होते हैं जिनके थ्रू कि वो यूज़र को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जो इन्वायरमेंट वो मतलब की देते हैं उसमें ढाल सके। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक स्मार्टफोन की अलग एक स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसे तय किया जाता है कि जैसे उसे मतलब कि एक स्पेसिफिकेशन ही माना जाता है। तो जो कस्टम एंड्रॉयड तो वो एंड्रॉयड की तरह सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा और काफ़ी डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि आप वन प्लस सिक्स में देखते हो, जो आप देखते हो जो कस्टम OS है वो हर एक स्मार्टफोन का मतलब कि अपना होता है। हर एक स्मार्टफोन अपने जो फ्लैगशिप में हो सकता है उसमें अलग दे सकते हैं, और जो बड़े बजट रेंज के स्मार्टफोन होते हैं उसमें अलग दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कस्टम OS है उसे मतलब कि एंड्रॉयड जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। जो उसमें एंड्रॉयड के स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, उसे जो एंड्रॉयड का जो वर्जन चला हो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार देखा जाता है कि चेंजिंग लाई जाती है। उसके अपडेट आते रहते हैं, न्यू अपडेट आते रहते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड की अपडेट आते हैं उसी तरह की जो कस्टम OS है उसके भी अपडेट आते रहते हैं। जैसे कि MI के अपडेट आते रहते हैं जो कि अभी 9.0 से वहाँ पर 10.0 तक पहुँच गया है, जो कि स्टेबल वर्जन में आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हर एक बार वो अपने कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ न्यू तरह से जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं और न्यू अपडेट देकर उसे सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों, जो स्ट्रोक एंड्रॉयड होता है वो एक प्योर फॉर्म होता है एंड्रॉयड का। तो दोस्तों, जो प्योर फॉर्म होता है एंड्रॉयड का वो बहुत ही अच्छा होता है यूज़ करने के लिए, और काफ़ी अच्छा है मतलब कि यूज़र इंटरफेस भी देता है, और हर एक यूज़र को काफ़ी इजीली वो मतलब कि चलाने में आ सकता है। जबकि जो कस्टम OS होता है उसे चलाना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप मान लो किसी वीवो या ओप्पो के स्मार्टफोन से MI के मतलब कि शाओमी के स्मार्टफोन में आ जाए तो आपको काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पर आप देखते हो कि जो एप्पल के स्मार्टफोन रहते हैं उसमें थोड़े अलग से आता है, जो कि उसका भी कस्टम OS ही है, ना कि उसका कोई स्टॉक एंड्रॉयड है, क्योंकि जो एप्पल का आता है वो थोड़ा अलग सा आता है। दोस्तों, जो एप्पल है वो एंड्रॉयड का वो एंड्रॉयड के अंडर नहीं आता, उसका अपना है iOS, जो कि उसका अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड की तरह से काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए भी उसके स्किन अलग से ही है, मतलब कि वो यहाँ पर आपके किसी एंड्रॉयड के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता कि iOS और एंड्रॉयड को कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जो एंड्रॉयड होता है वो काफ़ी अलग ही फील्ड में जाता है और जो iOS है वो काफ़ी अलग आता है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखा जाए तो स्किन भी काफ़ी अलग ही होती है। लेकिन हाँ, जो ओप्पो के स्मार्टफोन होते हैं जिसमें भी उन्होंने कलर OS डाला है उसकी काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिल जाती है iOS के जो स्किन है उसके साथ। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो हर एक कंपनी के अलग अलग कस्टम OS होते हैं। जो स्टॉक OS होते हैं वो आता है आपका एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के अंडर, जो कि आप देख सकते हो शाओमी के A1 स्मार्टफोन आते हैं उसी की तरह, मतलब कि जो शाओमी का जो A1 है अभी A2 आया है उस तरह से ही जो उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है मतलब कि जो स्किन होती है वो इसकी तरह होती है स्ट्रोक एंड्रॉयड की तरह। तो दोस्तों, जो स्ट्रोक एंड्रॉयड तब वो काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। जो दोस्तों स्ट्रोक एंड्रॉयड होता है वो आपको रियल एंड्रॉयड की तरह मतलब कि एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों, अगर आपको एंड्रॉयड की कंटिन्यू अपडेट चाहिए तो आपको एक स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगेगा जो कि गूगल का अपना स्मार्टफोन है जिसको कहते हैं गूगल पिक्सल। तो दोस्तों, जो गूगल पिक्सल है आप जानते ही होंगे, जो गूगल है वो एंड्रॉयड बनाती है
मतलब कि उसके अंडर एंड्रॉयड आता है। दोस्तों जो स्मार्टफोन होता है इसमें मतलब कि गूगल जो बनाता है इसमें सबसे पहले एंड्रॉयड का अपडेट दिया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे चैनल बीटेक में, आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद जय भारत।